पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उमरिया जिले के अमरपुर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 22 अगस्त को एक समुदाय विशेष के लोग धारदार हथियार लेकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए जुलूस निकालकर शांति भंग करने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आज गिरफ्तारी की। मामला है उमरिया जिले के इंदवार थाना अंतर्गत आने वाली चौकी अमरपुर का है, जहां 22 अगस्त को एक समुदाय विशेष के लोग भारी तादाद में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए हथियार लेकर मस्जिद से करबला तक जुलूस निकालकर उत्तेजक गाना गाते हुए शांति भंग करने का प्रयास किया। अमरपुर पुलिस ने समझाइश भी दी, लेकिन जुलूस निकालने वालों पर पुलिस की समझाइश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो लोग क्षेत्र में भय का वातावरण बनाने में लगे हैं, जिस पर अमरपुर पुलिस ने 50 लोगों के नामजद और 30 लोग अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 271/21 धारा 188 IPC और 25(2) आर्म्स एक्ट का प्रकरण पंजीबृत किया। आज जिले भर की पुलिस बल की मौजूदगी में नामजद लोगों के घर की तलाशी ली गई, जिसमें भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए और तलाशी जारी है। SDOP भारती जाट ने बताया कि 22 अगस्त को 70 से 80 लोग कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए हथियार लेकर जुलूस निकाले थे, जिस पर अभी लोगों को नोटिस देकर छोड़ा गया है। ये किस समुदाय के हैं ये कहना मुश्किल है, सभी भारतीय समुदाय के हैं। हालांकि पुलिस भी अभी इस मामले में कुछ कहने से कतरा रही है। ये मुखबिर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी अमरपुर चौकी में कि करीब 70 से 80 लोग हैं जो कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और साथ में ऐसे भीड़ बनाए हुए हैं जुलूस के रूप में थे और कुछ हथियार वगैरह रखे हुए हैं, जिस पर से उक्त 70 से 80 लोगों पर हमने धारा 188 और 25(2) आर्म्स एक्ट कायम किया गया है और अभी विवेचना में ये चल रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए? ये नोटिस पर कुछ लोगों को छोड़ा गया है अभी। और किस समुदाय के लोग? ये अभी कहना मुश्किल है किस समुदाय के हैं, ये अब पूरे भारतीय समुदाय में मिक्सचर है। गौरतलब है कि विजयदशमी के मौके पर भी अमरपुर में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की मुस्तैदी के चलते स्थिति नियंत्रण में आ गई थी और अब तो खुलेआम हथियार लहराए गए। ऐसे में सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि आपसी भाईचारा बरकरार रहे। विनय किरण के लिए उमरिया से सुरेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट।